आखिर कितने साल बाद कर रहे हैं ऋतिक और सैफ अली खान साथ में काम, कौन है इस फिल्म के कास्ट का नया एडिशन और क्या फिल्म की शूटिंग हो गई है शुरू। होने जा रहा है रीमेक विजय सेतुपति और आर माधवन की हिट फिल्म विक्रम वेदा हिंदी में। इस रीमेक फिल्म में दिखने जाने वाले हैं उन दोनों की जगह ऋतिक और सैफ अली खान। ऋतिक और सैफ करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ कम से कम लगभग 19 साल बाद काम। ये दो सितारे पहले काम कर चुके हैं न तुम जानो न हम मूवी में। इस फिल्म में ऋतिक प्ले करने वाले हैं वेदा का कैरेक्टर जो ओरिजिनल फिल्म में प्ले किया था विजय सेतुपति ने। वेदा का कैरेक्टर है एक ड्रग स्मगलर का और ये रोल विजय सेतुपति ने काफी उम्दा तरीके से निभाया था। वेदा के कैरेक्टर को बॉलीवुड रीमेक के लिए आमिर को भी ऑफर किया गया था लेकिन अहम मौके पर आमिर इस फिल्म से वॉकआउट कर गए। अगर वेदा कर रहे हैं ऋतिक रोशन तो जाहिर सी बात है कि विक्रम के रोल को अदा फरमाएंगे एक्टर सैफ अली खान। विक्रम का कैरेक्टर इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का है जो कि कर रहा है वेदा को पकड़ने की कोशिश मगर वो हर बार उसे चकमा देकर निकल जाता है। इस फिल्म को लेकर सभी है काफी उत्सुक क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी तमिल इंडस्ट्री में एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है और अगर ये फिल्म बॉलीवुड में ठीक ठाक से रीमेक हुई तो इस फिल्म के जैसा कोई और दूसरा फिल्म नहीं बनने वाला है। इस फिल्म में ऐड हुआ है कुछ नए कास्ट और वो नया एडिशन और कोई नहीं बल्कि है इंडियन टेलीविजन के चहेते एक्टर दानिश अख्तर। दानिश ने टेलीविजन स्क्रीन पर 6 बार प्ले किया है हनुमान का रोल जो पहले किसी ने नहीं किया है। इस फिल्म में दानिश दिखेंगे गैंगस्टर के रोल में और इस फिल्म के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक बड़ी बात है जो वो इतने बड़े और अच्छे एक्टर्स के साथ करने वाले हैं काम। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि और कौन कौन होंगे इस फिल्म में शामिल और जो कि ये फिल्म तमिल ऑडियंस में एक बहुत ही बड़ी हिट थी तो तमिल ऑडियंस भी है इंतजार में कि क्या आर माधवन और विजय सेतुपति जैसे इंटेंसिटी के साथ वो ये रोल निभा पाएंगे कि नहीं। इस फिल्म को लेकर काफी डिस्प्यूट भी है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि इस फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर्स ही करेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट मगर अब हम आपको बता दें कि इस फिल्म को कर सकते हैं नीरज पांडे भी डायरेक्ट। जी हां दोस्तों वही नीरज पांडे जिन्होंने बनाई थी बायोपिक MS धोनी जहां लीड में थे लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। विक्रम वेदा की शूट को लेकर है थोड़ी परेशानी क्योंकि जून के महीने में होनी थी ये शूट मगर अभी तक पुख्ता खबर इसकी नहीं मिली है लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही आने वाली है ये फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। तो दोस्तों क्या आप है तैयार विक्रम वेदा के रीमेक के लिए हमें बताइएगा जरूर और जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।